क्या सत्ता से बेदखल हो जाएंगे पाक पीएम इमरान खान? पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की संसद भवन की तरफ आज होंगी, जहां एकजुट विपक्ष अपनी ताकत बताने और 172 का जादुई आंकड़ा दिखाने के लिए पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। कुल 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली यानी निचले सदन में इमरान खान को अपनी सरकार बचाने के लिए 172 सांसदों का समर्थन चाहिए। विपक्ष का दावा है कि उनकी उनके सहयोगी दलों तथा सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से नाता तोड़ने वाले सांसदों की संख्या इतनी है जिसे अविश्वास प्रस्ताव आसानी से जीता जा सकता है और सदन के नेता इमरान खान को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। विगत 8 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग तथा दूसरी छोटी पार्टियों ने नेशनल असेंबली के सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह दुखद है कि लंबे मार्शल लॉ से बाहर निकलने और लोकतांत्रिक सरकारों के गठन के बावजूद पाकिस्तान में आज तक चुनी हुई कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। यहाँ सबसे लंबी अवधि तक चली सरकार का कार्यकाल 3 साल से कुछ अधिक रहा है।